मेहुल कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं नैनीसार। सो मॉम एंड डैड के साथ ये ट्रिप शुरू हुई थी 31st की इवनिंग को। हम लोग लखनऊ से निकले थे नैमिषारण्य जाने के लिए, जिसे कॉमन लैंग्वेज में निमिष भी कहा जाता है, जो लगभग लखनऊ से 140 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और बख्शी के तालाब से होते हुए जाते हुए जब हम जाएंगे तो हमें चंद्रिका देवी के मेन गेट के भी दर्शन हो जाते हैं। और क्योंकि हम शाम को निकले थे तो वहाँ पहुँचते पहुँचते रात होनी थी और एक फैमिली ट्रिप थी, तो चलिए आगे देखते हैं हमें क्या क्या मस्ती हमने की है इस व्लॉग में। ओ, ये ज्यादा हो गया। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी 2022। आई होप कि आपका 2021 जितना अच्छा गया और 2022 उससे भी बेटर जाए। तो इस साल के मेरे पहले ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ चुका हूँ नैमिषारण्य, जिसे कॉमन लैंग्वेज में नीमसार भी कहा जाता है। यहाँ पे हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। कल रात के न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, हॉट साइड इवेंट दिखाऊंगा। सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आए। अगर आप चैनल पे नए आए, आपको करना है इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। और बिना टाइम वेस्ट करते चलिए मैं आपको नैमिषारण्य दिखाऊंगा। तो गाइज, गाड़ियाँ हमारी यहाँ पर लग चुकी हैं, हम चक्रती पहुँच गए हैं, यानी कि नैमिषारण्य, निमिष भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में इसको। ये सारी हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं और यहाँ का होटल आपको दिखाते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख के यहाँ पे आएंगे तो कैसा लगेगा। तो ये रहा हमारा होटल, इसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा दूँगा। देखने में बहुत प्यारा है ये होटल, अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि यहाँ पे झूले टाइप के ये बने हुए हैं, आराम से बैठिए, फ़ोटोज़ वोटोज़ लीजिए, रील्स वगैरह बनाइए। चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको अपना रूम और होटल दिखाते हैं। सो पहले रूम में फूफा जी, चाचू, चाची, अन्ना, डैडी। ये यहाँ का हॉलवे है, देखते हैं रूम नंबर 2 में कौन है। यहाँ पे नाना जी रुके हुए हैं, यहाँ पे युव है। ये वाले रूम में कौन होगा, कौन होगा, कौन है इस रूम में? चलिए अंदर चल के देखते हैं। ओ, लकी और मिही गेमिंग कर रहे हैं, से हेलो। तो अन्ना और चाची हमें रूम का टूर देंगे, तो चलिए उनसे जानते हैं रूम का टूर। काफी स्पेशियस है ना सोनी? हाँ, बहुत अच्छा है। और देखो टीवी लगा है इधर, ये हमारा बेड है। अरे वाह, देखो गोपाल जी भी आ गए। रूम इतना स्पेशियस है कि हम सोच रहे हैं अलग अलग रूम क्यों लिए हमने। इसे में आज एक छोटी सी पार्टी करनी चाहिए थी, न्यू ईयर पार्टी। धमाल हो जाता। सो गाइज़, जैसे कि आप देख पा रहे हो इतना भयंकर कोहरा यहाँ पे पड़ रहा है। एक गाड़ी भी यहाँ से निकल रही है, पुलिस वाले गाड़ी भी, लेकिन कोहरा एक तरीके से लग रहा है जैसे साइबेरिया हो ये पूरी जगह, मतलब देखते ही बन रहा है कितना प्यारा कोहरा यहाँ पे जो पड़ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो सब लोग डिनर करने बैठ गए हैं, 2021 का लास्ट डिनर। तो एनी चीयर्स फॉर 2021।
खा रहे हो चाची? समोसे। बच्चा बाटी क्या खा रही है? सो गाइज, लंच से पहले हम लोग का क्रिकेट का प्रोग्राम बन चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, वो कुर्सी विकेट है, एक कुर्सी एरी, ये जितनी छोटी छोटी घास है हमारी बाउंड्री, सारे फील्डर्स हमारे लग चुके हैं। ये आई बॉल, सो इस मंदिर का नाम है त्रिशक्ति देवी आंध्रा मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं और इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं इस मंदिर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। चलिए गाइज, आपको त्रिशक्ति धाम आंध्रा आश्रम के दर्शन कराते हैं। ये वाली जो मूर्ति है इस मंदिर में किसी ने दान करी, और ये मूर्ति कितनी बड़ी है? ओ भाई गजब, इतनी बड़ी मूर्ति इनने दान करी है इस मंदिर में। इस जगह पे एक जगह के अंदर कई सारे भगवान आपको मिल जाएंगे। मैंने माता रानी आपको दिखाई, बड़े से वो भगवान जी आपको दिखाए, और यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये है नारायण भगवान का मंदिर। तो चलिए नारायण जी के दर्शन करते हैं। तो ये है नेमिषारण का मेन अट्रैक्शन, जिसे हम लोग चक्र तीर्थ या चक्र तीर्थ भी कहते हैं। ये जो बीच में अंदर वाला सर्कल है, इसकी जो गहराई है वो साइंटिफिकली अभी तक कोई नहीं बता पाया। अगर आपको इसकी स्टोरी पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज रात का क्या प्लान बन रहा है चाची? अंताक्षरी। क्योंकि हम जो लास्ट टाइम इंस्टाग्राम लाइव पे गए थे उसमें डीजी चाची नहीं थी। तो आज अब हम थोड़ी देर के बाद और मस्ती करने वाले। हमारी जो सब्जियां हैं, चावल हैं, वो इन हांडियों में पक रहे हैं, नीचे आंच लग रही है। ये खाने में बहुत टेस्टी होने वाले हैं, आई होप कि आपको ये पसंद आए। वहाँ पे हम सबकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ खाट है, यहाँ लेटने का इंतजाम है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, वो हमारी डाइनिंग टेबल है, और धीरे धीरे जो है सूरज वो ढलता जा रहा है। बच्चे
इस वाली हांडी में है हांडी पनीर, इस वाली इसमें हांडी में है उड़द की दाल, और सब लोग इवनिंग वाला डिनर कर रहे हैं, इवनिंग वाला लंच कर रहे हैं।